हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जिंटू जी को। जिंटू जी ने रिलायंस निपॉन लाइफ के गारंटीड मनी बैक प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप गारंटीड मनी बैक प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आप चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट को चेक करें। आपको दो अलग अलग वीडियो मिलेगी इससे संबंधित, जिसमें आपको मैच्योरिटी, डेथ बेनिफिट, पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन सब कुछ बताया गया है। अब जिंटू जी ने कहा है कि रिलायंस कैश फ्लो प्लान की डिटेल बोनस कैलकुलेशन और मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में बताएं। तो डिटेल में कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिंटू जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार आती है। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरीके से आपके सुझावों के अनुसार वीडियो लाते रहें तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आइए अब हम जानते हैं रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कैश फ्लो प्लान की डिटेल। यह प्लान एक गारंटीड मनी बैक वाला प्लान है, लेकिन कैसा प्लान है? मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि नॉन लिंक्ड है। साधारण शब्दों में बताया जाए तो आप जो प्रीमियम कंपनी को देंगे, कंपनी उसको इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है। मनी बैक है तो समर शॉर्ट का एक निश्चित प्रतिशत आपको ये इस प्लान में दे रहे हैं। कब तक? थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म देंगे। और अगर डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम होगा वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा, जिससे कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बरकरार रहे। जानेंगे सब कुछ कि किस तरीके से मिलते हैं सारे बेनिफिट, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। एंट्री एज का जो लिमिट है वो है 15 साल से लेकर के 63 साल का, और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वो है 22 साल से लेकर 70 साल का। पॉलिसी टर्म इस प्लान में है 7 साल से लेकर के 34 साल, और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो भी पॉलिसी टर्म के ही बराबर है। यानी कि 7 साल का पॉलिसी टर्म किसी ने लिया होगा तो 7 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो 7 से 34 साल का होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। सम अशोर्ड की लिमिट की बात करें तो कम से कम 25,000 रुपए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, जितना आप प्रीमियम पे कर सकें उसके अनुसार। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक सभी तरीके के मोड मिल जाते हैं, और प्रीमियम डिपेंड करेगा कि आपने कितना सम अशोर्ड लिया, आपकी उम्र क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, मोड ऑफ प्रीमियम क्या है, उसके ऊपर। बात करते हैं बेनिफिट की, तो सबसे पहले बात करेंगे डेथ बेनिफिट की, जो कि होता है सम अशोर्ड प्लस इकट्ठा हुआ बोनस। अब आपको इसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं, जिसे हम मनी बैक कह रहे हैं, वो आपको मिलना शुरू होगा पहले पॉलिसी के 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर साल जब 3 साल कंप्लीट होते रहेंगे आपको मनी बैक मिलता रहेगा आपके सम अशोर्ड पे। किस तरीके से मिलेगा, फुल स्क्रीन पे कर लीजिए वीडियो। ये जो चार्ट दिया गया इसमें में बताया गया कि 1,000 रुपए का अगर सम अशोर्ड है तो कितने पैसे मिलेंगे। 1,000 रुपए का सम अशोर्ड है, मान लीजिए 25 साल का यहाँ पे किसी ने पॉलिसी टर्म ले लिया, तो 125 रुपए मिलेंगे चौथे साल पे, सातवें साल पे, मतलब कि लगातार यहाँ पे मिल रहे हैं हर 3 साल के बाद में। और अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 12.5% हो जाएगा ये समर शॉर्ट का, 12.5। ठीक है जी। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी मनी बैक की वो, उसके साथ में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो इकट्ठा हुआ है वो। प्लान में आपको इन बिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर मिल जाता है। ये केवल काम करता है जब बीमा धारक को कोई एक्सीडेंट हो गया हो, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई हो तब, और लेकिन प्रीमियम 40,000 तक की होगी तभी। इसमें अगर राइडर बी है उसको मिला के 40,000 के, तो भी प्रीमियम वे ऑफ हो जाएगी। अब मान लेते हैं श्रीमान जे है, उनकी उम्र 30 साल की, उन्होंने पॉलिसी टर्म 25 साल का लिया है और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 25 साल का। सम अशोर्ड वो ले रहे हैं यहाँ पे 5,00,000 रुपए का, तो उसके लिए जो बेसिक एनुलाइज्ड प्रीमियम हो जाएगी वो होगी 28,750 रुपए की। सर्वाइवल बेनिफिट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 12.50% है। बोनस रेट 2.25% से लेके 3% तक का रहता है, और बोनस का पूरा PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे कल ही मैंने शेयर कर दिया था। अब यहाँ पे श्रीमान जे को जो मनी बैक मिलना शुरू होगा वो पॉलिसी के 4th साल पे मिलेगा, ठीक है, फिर 7th साल पे मिलेगा, फिर 10th साल पे, फिर 13th साल पे, फिर 16th साल पे, फिर 19th साल पे, फिर 22th साल पे। तो टोटल मिल रहा है कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 25th साल पे भी मिलेगा। लेकिन मैच्योरिटी से पहले अगर देखें तो कितनी बार मिल जाएगा, 7 बार मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि मैच्योरिटी से पहले टोटल अमाउंट ऑफ मनी बैक इंस्टॉलमेंट का कितना हो गया, राइट? तो 7 बार मिला है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक सम अशोर्ड लिया हमने यहाँ पे 5,00,000 का है, उसका हम 7% निकाल लेंगे। हम 5,00,000 का जो बेसिक सम अशोर्ड है उसका 12.5% निकालेंगे और इसमें 7 का गुणा कर देंगे। तो 5,00,000 का 12.5% होता है 62,500, उसमें 7 का गुणा कर देंगे 4,37,500 रुपए का अमाउंट होगा। अब हम यहाँ पे बोनस रेट मान रहे हैं 2.5% का, क्योंकि वेरी करता रहता है, तो हमने बीच का अमाउंट मान लिया।
अब ये जो बोनस है इस प्लान में उसे हम सिंपल रिवर्सनरी बोनस के नाम से जानते हैं और इसकी कैलकुलेशन भी सम अशोर्ड पे ही की जाती है। तो टोटल यहाँ पे जब हम बोनस का कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सम अशोर्ड का हम 2.50% निकाल के उसमें 25 का गुणा कर देंगे क्योंकि 25 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 3,12,500 रुपए का अमाउंट ये आ जाएगा। तो मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है हमारा, 62,500 रुपए, 3,12,500, तो 3,75,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। 62,500 क्या है, फाइनल इंस्टॉलमेंट है ना, क्योंकि 5,00,000 का अगर आप निकालेंगे 12.5%, तो 62,500 ही आएगा। अब हम मान लेते हैं श्रीमान जे की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो जाती है, तो डेथ बेनिफिट है सम अशोर्ड प्लस बोनस। सम अशोर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, 5,00,000 रुपए का है, 10 साल में हम बोनस निकालेंगे 5,00,000 का 2.5% निकाल के उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 1,25,000 रुपए का यहाँ पे बोनस हो जाएगा। अब हम इसको बेसिक सम अशोर्ड में ऐड कर देंगे तो श्रीमान जे के नॉमिनी को यहाँ पे 6,25,000 रुपए मिल जाएंगे अगर 10 साल के बाद में इनकी डेथ हो जाती है तो। राइट, जिनके पास ये पॉलिसी है वो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको बोनस भी पता चल गया, डेथ बेनिफिट भी पता चल गया, मैच्योरिटी बेनिफिट भी पता चल गया। सरेंडर वैल्यू की अगर हम बात करें तो टोटल पेड प्रीमियम का 30% निकाल के उसमें से मनी बैक अमाउंट को घटा दिया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर ही लेंगे, लेकिन आप पॉलिसी को सरेंडर जब ही कर पाएंगे जब आपने 3 साल लगातार टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया है। इस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि आपको नियमित अंतराल पे मनी बैक मिल ही रहा है। प्लान में आपको पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट मिल जाता है, उसके लिए भी आपको कम से कम 3 साल प्रीमियम पे करना जरूरी है, उसके बाद नहीं पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होती है। एक बार पॉलिसी अगर पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो किसी भी तरीके का जो बोनस है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो सम अशोर्ड जो होता है वो रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बेस पे मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन होगी। अब रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड क्या होगा, आरपीयू फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाल के सम अशोर्ड में गुणा करेंगे, उसमें से मनी बैक अमाउंट जो मिल चुका होगा बीमा धारक को वो घटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं श्रीमान जे जी जो है 5 साल इन्होंने लगातार यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिया और उसके बाद में वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब उन्होंने पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो 5 साल के अंदर जो बोनस हो जाएगा वो 62,500 रुपए का हो जाएगा इकट्ठा। पॉलिसी टर्म लिया है 25 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है हमने यहाँ पे 25 साल का और 5 साल प्रीमियम पे किया हुआ है, तो ऐसे में आरपीयू फैक्टर मतलब कि रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाला जाएगा, कैसे, 5 को डिवाइड कर दिया जाएगा 25 से, तो 0.2 यहाँ पे आरपीयू फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप फैक्टर होगा। अब 5वें साल पे मतलब प्रीमियम पे करने के बाद में पॉलिसी को यहाँ पे पेड अप पॉलिसी में किया गया तो 1 मनी बैक का इंस्टॉलमेंट भी मिल चुका होगा। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड, 5,00,000 में गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का जो कि है 0.2, उसमें से हम 62,500 घटा देंगे तो 37,500 रुपए हमारा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड आ जाएगा। और देखिए पॉलिसी जब पेड अप पॉलिसी हो जाती है तो आगे चल के मनी बैक अमाउंट भी नहीं मिलता है, यानी कि सिर्फ डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट ही पेबल होते हैं। डेथ बेनिफिट क्या होगा, रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड में जोड़ देंगे अक्योर्ड बोनस, राइट, सिंपल कैलकुलेशन है आप कर ही लेंगे। और मैच्योरिटी बेनिफिट भी सेम ही होगा, रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड प्लस अक्योर्ड बोनस, ठीक है जी। अब बाकी इस प्लान में अब ज़्यादा कुछ है नहीं तो वीडियो खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, यही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है आपको, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मोड ऑफ प्रीमियम के साथ, मंथली के साथ 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये प्लान जो है बंद हो चुका है, अब कंपनी इसको सेल नहीं करती है। एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन